लेट स्टार्ट नाउ। हेलो, कैन यू हियर मी? एम आई ऑडिबल? क्या मैं सुन आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी चलिए सभा स्टार्ट करेंगे। जी प्लीज जो लोग मुझे नहीं जानते उनके लिए मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ अपना। सीमा कामरन हियर विद यू। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सर्टिफाइड न्यूट्रिशन और लाइफस्टाइल कोच हूँ। आप क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं तफसीर टीचर भी हूँ और ज्यादातर मेरे वही लोग हैं जो कि अल्लाह ने मेरे दीनों दुनिया के साथी बनाए हैं, तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट, जो लोग मेरे साथ कुरान क्लास में, जो मेरे साथ मेरे न्यूट्रिशन सर्टिफिकेशन की क्लास में मेरे स्टूडेंट हैं, जो मेरे साथ वेट लूज में ग्रुप्स में मेरे लिए मेरे साथ काम कर रहे हैं, तो हम जब हर चीज में साथ हैं तो रमजान की बरका को भी उस तरह समझने की कोशिश करते हैं जैसे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे लिए डिजाइन किया। बहुत लंबी क्लास नहीं करूंगी, सेशन नहीं करूंगी, मुझे आदत है क्लास लेने की, इसलिए क्लास बोल रही हूँ। छोटा सा सेशन होगा जिसमें इंशाल्लाह हम बहुत सारी नॉलेज जो इधर उधर स्कैटर्ड हुई भी है, हम उसको एक्सेस ऑफ द एवरीथिंग में हम हो जाते हैं कंफ्यूज, तो इसलिए मैं सिंपल एंड शॉर्ट वे में बताने की कोशिश करूंगी कि रमजान को हम कैसे बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। बॉडी में जान होगी तो अच्छा, आपने मेरे साथ इंटरेक्शन करना है, मैं जवाब सवाल करूंगी, जवाब मिलेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और फिर उससे क्या होगा कि हम इंशाल्लाह आगे बढ़ पाएंगे। रमजान जो है कितने दिन का होता है? सबसे पहले रबी शराहली सदरी व यस्सिर ली अमरी व हलुल उक्ता मिन लिसानी यफ्कहु कावली अम्मा बाद फअदउ नुसल्ली अला रसूलिही करीम मौला यसल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिम। जी जनाब, रमजान कितने दिन का होता है? मुझे जवाब चाहिए साथ साथ ताकि पता चले कि हम सब दीवारों से नहीं बातें कर रही। 29 और 30 29 और 30। और रमजान साल में कितनी दफा आता है? एक दफा, एक दफा। सॉरी आप मैं ही जवाब दे रही हूँ, बहुत ही अच्छा कोई कर और रही हैं, नहीं आपको भी हम बाद में कप भी देने वाले हैं। अच्छा चाय अच्छा का कप जी, तो रखा चाय का कप वो तो हम आपको छुड़ाने वाले हैं, डोंट वरी। अच्छा जी, बेसिकली रमजान जो है इसका लफ्जी मतलब होता है जल जाना। किसका जल जाना? गुनाहों का जल जाना, गुनाहों हम सबको का। पता है। लेकिन अगर हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के डिजाइन किए हुए उस प्लान के मुताबिक चलें तो हमारी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं और फ्री रेडिकल्स हैं वो भी जल जाते हैं, जल जाएंगे, मगर डिजाइन किसका? अल्लाह। और रमजान, यस महा, आप प्लीज माइक अनम्यूट कीजिए, सब लोग अपने अपने माइक अनम्यूट कर लें ताकि हम लोग ज्यादा अच्छे से एक दूसरे के साथ बात फिर से कर और एक दूसरे को समझ। अच्छा जी, रमजान दरअसल अल्लाह रब्बुल इज्जत का वो डाइट प्लान है जो हम सबको देते हैं, लेकिन जैसे कि एक अच्छी न्यूट्रिशन अपना 100% दे रही है, आप आगे से उसको समझ नहीं पा रहे, आप कर नहीं पा रहे, तो रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो वेलनेस जो होती है टीम वर्क के साथ होती है। जब हम न्यूट्रिशन डाइट प्लान देते हैं तो उसमें होते हैं 10 डेज, 21 डेज, 28 डेज, 30 डेज और 41 डेज। अब जब हम रमजान की तरफ देखते हैं तो रमजान का बेसिक आइडिया सबसे पहले आप समझ लीजिए, जिसको इसकी समझ आ जाएगी आगे वो बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? पहले 10 दिन किसके साथ रोजा खोलो, बताइए? पापा
यश बेबी बताओ किसके साथ रोजा खोलने के लिए कहा कसला तो सलाम है, खजूर खजूर के साथ, खजूर के साथ। ओके नेक्स्ट क्या, 10 डेज। पानी के साथ या नमक। ठीक है, अकसलात सलाम ने फरमाया पहले 10 दिन खजूर के साथ, फिर उसके बाद नमक के साथ, और फिर पानी के साथ। अब हमें तो कहा गया समय ना व आतौन। अब जो है देखें, ये जो दीन है ना दुनिया से अलग नहीं है, जो दीन को सही समझ के चलते हैं उनकी दुनिया भी समझ जाती है और दीन की बरकत भी मिल जाती है, इनसाइड आउट बरकत मिलती है। अब फर्स्ट 10 डेज में क्या होता है, डिटॉक्सिफिकेशन होती है। ठीक है, रमदान पूरी दुनिया में आयुर्वेदा, होलिस्टिक मेडिकेशन, चाइनीज, इथन्स में, दुनिया में कोई ऐसी मेडिकेशन नहीं है जो आपको नहीं कहती कि आप फास्टिंग ना करें, बल्कि जो क्रॉनिक डिजीजेस होती हैं उनके लिए हमें बताया ये जाता है कि आप जो है ना फास्टिंग करें। 2016 में ये हुआ कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपना जो रिसर्च पेपर वो इशू करते हैं उसमें भी बता दिया कि जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है इट्स अ बेस्ट थिंग, अगर आप उसको सही टेक्निक से करेंगे तो अंदर की जितनी भी प्रॉब्लम है, कैंसर है, एपिलिप्सी है, फैटी लीवर है। माइक को म्यूट कीजिएगा प्लीज। कैन यू हियर मी, मैं सुन मुझे सुन सकते हैं आप? हेलो यस जी। अच्छा जी, तो WHO ने 2016 में पूरी दुनिया में ये बता दिया, डिक्लेयर कर दिया कि अगर आप 30 डेज फास्टिंग करते हैं तो क्या होता है, आपकी बॉडी ऑटोफेजी स्टार्ट कर देती है। ऑटो खुद से फेजी खाना, क्या खाना, अगर आप खाना कम से कम खाते हैं 30 डेज फास्टिंग करते हैं तो आपकी बॉडी खुद के बीमारी के सेल, जिनको हम कहते हैं टॉक्सिन्स, जिनको हम कहते हैं फ्री रेडिकल्स, वो खुद से खाना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट 1 ईयर में जो आपके अंदर बीमारी फ्री रेडिकल्स टॉक्सिन्स बिल्ट अप हो रहे होते हैं, अगर सही प्लान के साथ हम उसको फॉलो करें तो क्या होता है कि हमारी बॉडी खुद ही उसको खा के खत्म कर देती है। जो डायबिटिक हैं, जो फैटी लीवर वाले हैं, जो हाइपरटेंशन वाले हैं, जो थायराइड वाले हैं, PCOS वाले हैं, और जिनको कोलेस्ट्रॉल के इश्यू है, वो रमदान के इस प्लान के साथ खुद बहुत खत्म हो जाए। ठीक है, ऑटोफेजी। अगर आप कुरान ने हमें बताया कि ये जो है ना पहली उम्मतों पर भी फर्ज था, लेकिन हमें जो प्लान दिया गया वो बेस्ट प्लान है। कैसे, वो ऐसे कि हम ड्यूरिंग रमदान, कुरान हमें बताता है, हदीस हमें बताती है कितना खाना खाना चाहिए, कितने टाइम खाना खाना चाहिए। सॉरी सॉरी, आपका सवाल था ना, आपने बिल्कुल कितना ठीक जवाब दिया, बस थोड़ा सा क्लियर नहीं था, प्लीज बताइए। रमजान पूछ रही है। रमदान में अकॉर्डिंग टू हदीस हमें कितने टाइम खाना खाना चाहिए? सहर और अफ्तार टू सहर टाइम्स। अफ्तार, इट मींस 2 टाइम। ठीक है, एक बात तो क्लियर हो गई, 2 टाइम। कितना, हाउ, कैसे, वाई, क्यों, व्हेन, कब, और उसके बाद कितना। ठीक है, ये 4 सवाल है, इसको हम फॉलो कर लेंगे, इनको हम समझ लेंगे तो रमजान आसान हो जाएगा। 3 टाइम के खाने में से 1 टाइम का खाना कट हो गया तो इट मीन्स अल्लाह ताला क्या चाहते हैं, हम इस वक्त खाना कम से कम खाएं। ठीक है, अब 2 टाइम में हम क्या करते हैं, सबको पता है टाइम नहीं वेस्ट करते, हमें करना क्या चाहिए इस पे बात करते हैं। अब अल्लाह का जो डिजाइन है, अल्लाह का जो डाइट प्लान है, उसमें हमें ये बताया जा रहा है कि आपने 2 टाइम खाना खाओ, एक हमने सहर में खाने और एक हमने इफ्तार में खाने। और आपको पता है होलिस्टिक मेडिकेशन में जब हम पूरी दुनिया की मेडिकेशन को स्टडी करते हैं
तो उसमें भी ये बताया जाता है कि खाना बस दो ही टाइम है, तीन टाइम का खाना है ही नहीं। अब हम क्विकली आ जाते हैं कि हमें खाना और कैसे खाना चाहिए। सबसे पहले तो ये बताइए कि इफ्तार आप कैसे करते हैं। जल्दी जल्दी बताइए इफ्तार कैसे करते हैं। पानी पहले पीती हूँ मैं तो, और फिर उसके बाद खजूर खाती हूँ, और मस्ट है कि फ्रूट चाट खाती हूँ, लेकिन वो बोल भर भर के नहीं, एक नॉर्मल जो होता है जितना वो होता है। उसके बाद जो है मुझे शौक है सालन खाने का, तो एक आध पकोड़ा या फिर कोई भी चीज़ होती है वो। और हाँ, उसके साथ जो है मैं फिर जब ये सब हो जाता है नमाज के बाद, तरावी के बाद, तो जो घर में जो दही फुल्की या वो चना चाट बनाती हूँ वो मैं खाती हूँ। मैं खाना स्किप कर देती हूँ। फिर मैं शहर में जो ओके है वो रोटी और दही और तलबीना ये खाती हूँ, ये मेरी रूटीन है। दैट्स अच्छा ऑल। ठीक है। अब मैं अगर आपको रमजान का डाइट प्लान दूं, आप वैसे काफी अच्छा खाती हैं मगर थोड़ा सा स्कैटर्ड है, और अगर आप चाहें कि इन 30 डेज के बाद आपके बहुत सारे जो इश्यूज हम सब के अंदर होते हैं, जैसे एक गाड़ी चलती है और उसके लिए हमें पेट्रोल चाहिए होता है, वही पेट्रोल से वो गाड़ी चलती भी है और उसी पेट्रोल से वो कार्बन भी बनाती है। अगर हम गाड़ी को सर्विसेज के लिए नहीं लेके जाएंगे तो क्या होगा, इंजन सीन हो जाएगा। तो इसी तरह हम जो खाना खाते हैं पूरा साल, जब हम वो हमें एनर्जी देने के साथ साथ टॉक्सिन बिल्डिंग भी करता है, दिस इज वेरी वेरी नेचुरल, इसमें डरने की कोई बात नहीं, इट्स आवर नेचुरल प्रोसेस, मगर ये 30 डेज में हम उसको क्लीन कर सकते हैं। अब आप जो खजूर खाते हैं उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक न्यूट्रिशनली न्यूट्रिशनली कैसे बेस्ट बेस्ट फॉर्म में यूज कर सकते हैं, ये साइंटिफिक रिसर्च से साबित है। अगर आप एम्प्टी स्टमक तीन खजूर खाते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर जितने भी स्टमक के अंदर एच पॉयलरी के बीमारी, आसान जुबान में बताते हैं, जो भी बीमारी के जर्म्स हैं, जो भी डिसऑर्डर्स डिवेलप हो रहे हैं, वो मरना शुरू हो जाते हैं, खत्म होना शुरू हो जाते हैं। करना क्या है, सिंपल क्या करना है, खजूर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया सुन्नत है, उस खजूर को भिगो दीजिए पानी, एक या तीन खजूर खानी होती है ना, उसको पानी में भिगो दीजिए, उसको सहरी के टाइम भिगोइए, अफ्तार के वक्त उसी पानी को आप कर लीजिए ग्राइंड, शेकर पे डाल के शेक कर लीजिए, उसके अंदर आप ऐड कीजिए। देखें आइडियली तो ये है कि आप उसके अंदर थोड़ा सा एप्पल साइडर विनेगर ऐड कीजिए, या एक लेमन ऐड कीजिए, या फिर आप एलो ड्रिंकिंग जेल ऐड कीजिए। जिन जो लोग नहीं जानते उनको पता है कि एलो की भी सुन्नत नफी से साबित है। ये है आपका फुल फिलिंग ड्रिंक, ये बस पीजिए, खजूर भी हो गई पानी भी हो गई, और आपकी बॉडी ने जो इतने देर वो स्टार्ट किया है स्टार्विंग की है, तो अब जो है उस स्टार्विंग को बेहतरीन तरीके से, क्योंकि जब हम कहते हैं कि फास्ट ओपन करना है उसके लिए हमें रिच फाइबर और अच्छा पानी चाहिए। ऑटोफेजी के, इंटरमिटेंट फास्टिंग के दुनिया में जितने भी असूल हैं, जितनी भी रिसर्च है, हमेशा कहा जाता है बहुत अच्छे फाइबर के साथ स्टार्ट करें। ठीक है, तो अगर मैम, आप आप प्लीज इसको रिपीट कर देंगे एक दफा, जो भी आपने बताया, जो तरीका आपने बताया वो डेट वाला। हाँ जी, वो तो हम लोग इंशाल्लाह दोबारा अपने ग्रुप पे करते रहेंगे इन चीजों को रिपीट। आपने जो खजूर, तीन श्योर मैम। खजूर रात को पानी में सहरी के वक्त भिगो दें, अफ्तार के वक्त उसको शेक करें, ये तलबीना बन जाएगा। ठीक है, तलबीना से आप जब रोजा खोलेंगे आपके पेट के, माइक म्यूट कर लीजिए, आपके पेट के अंदर के सारे कीड़े मर जाएंगे। और अगर सोने पे सुहागा आप उसमें एलो ड्रिंकिंग जेल ऐड कर लोगे, तो ये तो वैसे ही हमारे इंटेस्टाइन के जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, और जो प्रोबायोटिक्स कम हो रहे होते हैं उनको सेटल कर देते हैं। तो ड्रिंक ओके मैम, इफ्तार टाइम पर तलबीना लीजिए खजूर का, या फिर इसका, ये क्या है, ये है किशमिश मेवा, इसको भी आप 1 टेबल स्पून मेवा आप भिगो दीजिए पानी में, और उसके बाद जो है ना शेक कीजिए,
सुन्नत भी है और बेहतरीन तलबीना भी आका सलातो सलाम का तरीका भी है, मगर 12 बार से ज्यादा नहीं भिगोना उसमें, फिर नहीं तो इस तरह के केमिकल्स पैदा हो जाते हैं, वो हमारे लिए अच्छे नहीं होते। इसके साथ हेलो ड्रिंकिंग ओके जेल मैम, को थैंक यू। आप गेट इट मिक्स करें और इसको पी लें। अगर आप ये 30 डेज तक ये रूटीन्स को लेके चलेंगे, यकीन कीजिए आप इंशाल्लाह जो अगले साल आने वाले जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे खत्म हो जाएंगे। प्लस अब आप अपनी नमाज पढ़िए, अस्कार कीजिए तसल्ली से बैठ के। पानी को कभी भी गटागट नहीं पीना चाहिए, पानी को हमेशा पकड़ें। अब पानी ग्लास में पीना चाहिए, मगर मुझे बॉटल में पीने क्या, छोटा सिप पानी को चूस के पिए, पानी को खाना शुरू कर दें, कभी भी डिसऑर्डर डिवेलप नहीं होंगे। नमाज के बाद आइए, घर में जो कुछ भी पका हुआ है ठीक है, पोर्शन कंट्रोल इंशाल्लाह मैं आपको उसमें बता दूंगी हमारे ग्रुप में, और उसके मुताबिक उसमें आपने पोर्शन के साथ खाने, प्रोटीन जरूर होनी चाहिए उसमें। प्रोटीन में आप ले सकते हैं एग्स ले सकते हैं, चने ले सकते हैं, फिश ले सकते हैं, और चिकन ले सकते हैं, मटन ले सकते हैं, कार्ब्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब गंदम मत लीजिए। अगर वेट कम करना है ड्यूरिंग रमजान तो गंदम मत लीजिए। गंदम क्यों ना लीजिए नीलम, आप बताएंगे हम क्यों नहीं लेते गंदम, हम क्यों, मैं कहती हूँ ना लें गंदम, रोटी खाएं मगर गंदम वाली ना खाएं। जी, क्योंकि गंदम जो होती है इतनी प्रोसेस्ड आ रही होती है कि उससे आपके बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो डेवलप होने शुरू हो जाती हैं आजकल भी। जी बिल्कुल, अभी ये मीटिंग एंड होने वाली है तो अब जो है हमें क्या करना चाहिए, गंदम को रिप्लेस करना चाहिए ओट्स से, दिस इज ओट्स, और दिस इज हेलन सीड्स। मैं हेलन सीड्स को रिप्लेस कर रही हूँ और उसके साथ जो कि हम शिया सीड्स बोलते हैं ना, शिया सीड्स में एक मिथ है कि उसकी तासीर बड़ी ठंडी होती है, सर्दियों में लोग नहीं यूज करना चाहते, मत कीजिए कोई मसला नहीं, लेकिन आप हेलन सीड, ये दिस इज अ रिच फाइबर थिंग, जो मैंने आपको खजूर का रहा वो बताया वो भी रिच फाइबर है, वो भी बहुत जबरदस्त चीज है, उसको यूज कीजिए। अपने पोर्शन के साथ थोड़ा खाना खाइए, फ्रूट जरूर ऐड कीजिए मगर इतनी बड़ी प्याली नहीं, छोटी सी प्याली ठीक है, थोड़ी सी प्याली, और 10 बजे के करीब हम सबको भूख लगती है ठीक है, उस वक्त कुछ नहीं खाओ। उस वक्त जो है ना एक अच्छी प्रोटीन जो है आपको वेट लूज भी करेगी, फैट लूज भी करेगी, आपके मसल गेन भी करेगी, एनर्जीज भी सेव करेगी। इंटरमिटेंट फास्टिंग का उसूल है ऑटोफेजी करने के लिए, वाटर इनटेक, हाइड्रेशन और प्रोटीन, तो उसके लिए आपको बेस्ट प्रोटीन हम प्रोवाइड कर रहे हैं, दिस इज प्रोटीन शेक। सिर्फ इसको पानी में डालिए या छोटे से दही में भिगोइए, दही में इसका शेक निकालो, बनाइए एंड पी लीजिए। तहरी के टाइम आपको रोटी खानी है, सीडी साइज रोटी खाइए ठीक है, सीडी साइज रोटी खाइए, प्रोटीन अगेन जरूर होनी चाहिए, और इसके लिए अगर आपको वेट लूज करना है तो आपको डिटॉक्स ड्रिंक लेना चाहिए, और डिटॉक्स ड्रिंक के लिए अगेन एलोवेरा जेल से बेहतर कोई डिटॉक्स ड्रिंक नहीं। मेरे सारे लोग यहाँ पर जानने वाले हैं, मेरे हार्डली कुछ कम होंगे जिनको मैं नहीं जानती, और उनको पता है कि एलो ड्रिंकिंग जेल कितनी कमाल की चीज है। अगर ड्यूरिंग रमदान सहर और अफ्तार में इसको आप लेना स्टार्ट कर दोगे, 30 डेज तक ले लोगे, और ये 2 मील और एक प्रोटीन शेक के स्नैक के साथ पूरा महीना गुजारोगे, 8 to 10 kg वेट तो कम हो गई, लेकिन हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, ये जो जितनी भी ऑटोइम्यून डिजीजेस हैं वो सब सही हो जाएंगी, स्किन ग्लो करेगी, बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। इसके साथ अगर 30 मिनट की वॉक मेंटेन कर ले तो क्या ही बात है। आई एम देयर, मीटिंग खत्म, मीटिंग चल रही है कि हेलो चल रही है मैम, अभी मेरा चल रही है, ये चल रही है। दैट्स गुड। अच्छा जी, अभी कितना समझ आया आप लोगों को मेरी ये बात बताइए। मैम जितना आपने समझाया सारा समझ आ गया। कमाल कर दिया सीमा, आपने, जो ओट्स नहीं ले सकते उनके लिए भी बता दें, जो ओट्स एलर्जिक है। ओट्स एलर्जिक हैं उनके लिए आप जो है जैसे मैं हमेशा बताती हूँ चने के दाल, चने का आटा बनवा लीजिए, बेसन इज वेरी वेरी गुड ऑप्शन, बेसन के पकौड़े मत बनाइए प्लीज, बेसन इज वेरी गुड, बेसन की सब्जियां इज वेरी गुड। उसके साथ जो है बस एक ऑयल है जो कि जैसे मैंने बताया कि एक ऐसा इंसान जैसे कि मैं जिसको नहीं आती स्विमिंग,
आप उसको ओशन में फेंक दें, ठीक है, वो क्या करेगा, डूब ही जाएगा ना। तो बेसन के सारे न्यूट्रिएंट्स उस तेल में डूब जाते हैं जिसमें हम फ्राई करते हैं। बेसन का चीला बनाएं, साथ में मिंट चटनी बनाएं, मजेदार सी बहुत सारा सैलड बनाएं, इसको एज ए डिनर अफ्तार मील एंजॉय कीजिए। उसके बाद आप साथ में थोड़ा सा फ्रूट सैलड ले लीजिए। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। बड़े बड़े जो फ्रूट्स में बॉल है ना, वो क्या करते हैं, उसके फाइटो न्यूट्रिएंट्स इतने हैवी होते हैं कि वो अंदर जाके सारे फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो अब मीटिंग चल रही है माशाल्लाह चश्मदूर, और अब जो है इतने ज्यादा फ्रूट्स मत खाएं, अपना बजट भी बचाए, एनर्जीज भी बचाए। कम खाएंगे, बॉडी ऑटोफेजी करेगी, प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे अल्लाह के बनाए हुए डिजाइन के मुताबिक। आप इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा रिजल्ट लेकर आएंगे, और जब रमजान के बाद आप डॉक्टर के पास जाएंगे, इंशाल्लाह डॉक्टर खुद ही आराम हो जाएगा। 30 मिनट की वॉक जरूर ऐड कीजिए, इंपॉर्टेंट चीज वो है स्लीप। अभी अल्लाह ताला ने हमें क्या दिया, डिसिप्लिन दिया। क्या डिसिप्लिन दिया, 2 टाइम के खाने का डिसिप्लिन दिया इफ्तार के बाद, मतलब इट्स अ साइन ऑफ गॉड। सनसेट के साथ अपना ईटिंग विंडो खाओ, स्टार्ट करो, और स्टार्ट करो और फिर फौरन खत्म कर दो, और फिर सनराइज से पहले फिर थोड़ा सा खाओ और खत्म कर दो। बॉडी को ऐसे करना है जैसे दही को जाग लगाना होता है ना, थोड़ा सा खाना देना, पोर्शंस को समझ के चलना है, और वॉक करनी है। स्लीप पैटर्न्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम तो सारी रात जागते हैं, हम तो कहते हैं यार इफ्तार करके ही सोएंगे, ये सबसे बड़ी गलती होती है। जैसे ही आप खाना खाते हैं, ग्लूकोज ब्लड में जाता है, आपका जो है बॉडी जो है वो अपना प्रोसेस करती है, उसके 3 घंटे बाद आपको सो जाना चाहिए ताकि आपका ग्रोथ हार्मोन जो कि उस वक्त हाइपर होता है वो आपके वियर एंड टियर पे काम करे, और आपके बॉडी में जितने भी प्रॉब्लम हो रही है उनको खत्म करे, और आपका वेट भी लूज होगा, आपके फ्री रेडिकल्स भी हमारी बॉडी खुद ही खाएगी, फ्री रेडिकल्स को खुद ही खत्म करेगी। मगर इंटरमिटेंट फास्टिंग का लोगों को फायदा नहीं होता, क्योंकि वो ना तो सोते हैं ना ही कोई डिटॉक्स ड्रिंक ऐड करते हैं, ठीक है। और जब खाना खाते हैं, फूड की कैपेसिटी, फूड में अल्लाह ताला ने आइडिया दिया कम खाओ, हम सारे साल का ही खा लेते हैं उसमें। जितनी भी हमें वो करनी होती है अफ्तार पार्टीज, उसमें लोगों को दिखाना है हम क्या क्या बना सकते हैं। ईद पे दिखाओ यार, रमजान में थोड़ा सा सहाबा के प्लान को फॉलो कीजिए, बहुत ज्यादा मत खाइए और कम कम खाइए, और थैंक्स टू जूम कि वो अभी तक चल रहा है। जी अभी कोई क्वेश्चन है तो बता दीजिए। हेलो, यस मैम, मेरा एक क्वेश्चन है यस चलिए। मैम। आपने भी चीले की बात की ना, बेसन के चीले की, तो मैंने ये पूछना था कि अब जैसे किसी के पास नॉन स्टिक पैन ना हो तो फिर उसमें ऑयल काफी ज्यादा लग जाता है उसको बनाने के लिए, वरना वो चिपकने लग जाता है, तो उसका फिर क्या हल करें? नॉन स्टिक पैन खरीदो यार, इसका मैं क्या कर सकती हूँ, हो गया ठीक बर्तनों के दुकान भी खोलेंगे इंशाल्लाह आपके लिए। अभी तो ये है तो इसको ऑर्डर कीजिए, और इसको ऑर्डर कीजिए, और अपने जो डॉक्टर्स के लाखों रुपए बचाइए और फटीक बचाइए। खजूर और किशमिश अच्छा। को अपने डेली रूटीन में शामिल कीजिए, फाइबर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंशाल्लाह हम रेसिपीज शेयर करते चले जाएंगे, और किसी और का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज। जी सर, मेरा क्वेश्चन था कि जो शुगर जी पेशेंट्स हैं तो वो ये किशमिश और खजूर रमजान में इसी तरह से ले सकेंगे, आप ले सकते प्लीज हैं अपना क्या? नाम नुसरत। बताइएगा। नुसरत, ठीक है। अच्छा नुसरत, आप यूजुअली कैसे नुसरत, लेते हैं, सॉरी। नुसरत नुसरत आप यूजुअली कैसे लेते हैं ड्यूरिंग रमदान? खजूर तो सुन्नत नबी समझ के सब लोग खाते हैं ना, जी, आप लेकिन कैसे वो लेते मुझे अभी दिसंबर में ही डायग्नोज हुई है ना शुगर, तो वो फिर मैं उस हिसाब से पूछ रही थी आपसे कि अब क्योंकि फर्स्ट रमजान आ रहा है तो। हैं? ओके, आपको क्या करना है, आपको एक खजूर का छत बनाना है सुन्नत नबी समझ के, ठीक उसके है, सही। साथ ही आपने एलो ड्रिंकिंग जेल उसमें जरूर ऐड करना है, वॉक जरूर करनी है, यूरिक एसिड वाले और जितने भी, क्योंकि पकौड़े हमें लगता है फर्ज में,
तो कभी भी डीप फ्राई जी करें। पत्ते बैंगन के पत्ते, आई मीन स्लाइसेस बैंगन के पत्ते, उसके पालक के, पालक उसके ले लीजिए, उसको कोट करके फिर आप एयर फ्राई कीजिए, शेलो फ्राई कीजिए, जिसमें और ज्यादा ओके वो ना जाता हो, ऑयल ना जाता हो, ठीक है। और कम से कम पकौड़े खाइए, उसके साथ मिंट चटनी, दही की चटनी जरूर यूज कीजिए। कलबीना, अगर आपको उसका पोरिज का भी बनता है, पोरिज का आप तलबीना बनाइए, बना बनाया तलबीना थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। और फाइबर रिच फूड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फैट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग तेल तो बहुत ज्यादा खाते हैं, लेकिन देसी घी की बात करते हैं, ओ यार वो तो बड़ा ही वो होता है। नो नो, वी नीड गुड फैट। अगर हम गुड फैट नहीं खाएंगे तो बैड फैट हमारी बॉडी में बहुत बुरा इफेक्ट करेंगे, गेट इट। तो आप, बिल्कुल जैसे मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ, आप सहरी में दलिया खाइए, ठीक है। और या फिर आप जी ऐसे कीजिए कि 2 से 3 टेबलस्पून दलिया रात को आप भिगो दीजिए, और उसके साथ ही आप हेलुन सीड्स, ठीक है, या स्टिया सीड्स 1 टेबलस्पून, वो भी उसी में ऐड कर दीजिए, ठीक है। और आपने डालना है नॉन डेरी मिल्क 1/2 ग्लास उसमें, ठीक है। सुबह आप ठीक उठेंगे, और उसके बाद ये जो वो लोग हैं डायबिटीज वाले, उनके लिए ये वाला शेक बहुत ज्यादा अच्छा है इसका, क्योंकि ओके प्रोटीन है ना, प्रोटीन बहुत अच्छी चीज है, प्रोटीन के बगैर हम फिर चल नहीं सकते यार। तो एक जी स्कूप इसका डालिए, और आप जब इसको ले